और ज्यादा तेज होगी, इससे आपके ब्रेक ना लगने के पूरे पूरे चांस। गाड़ी ऑटोमेटिकली उतर रही है, फर्स्ट गियर में डाल दो, क्लच पे, क्लच और ब्रेक इस पे आप ये अपने आप उतर रही है आराम से। वो बुलेरो वाला ला रहा था, अभी देखो मोमेंटम बिगड़ गया वो, ये दोनों गाड़ियां आ गई उसके चक्कर में, उसका मौसम टूट गया उस गाड़ी का, आप देख लो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो फिलहाल आज अभी जो हम लोग इस रास्ते पे चल रहे हैं, डाउन हिल पे हैं, तो बेसिकली आज का जो वीडियो है मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जब हम लोग डाउन हिल पे गाड़ी को उतारते हैं तो अक्सर देखो आप डाउन हिल पे एकदम मोड टर्न्स वगैरह भी काफ़ी होते हैं, तो उस टाइम पे आपको गाड़ी को किस तरह से ड्राइव करना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारा चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और अभी आप रोड देख लो, रोड के जो मतलब हालत है एकदम ख़राब है अभी। अब सबसे पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ, देखो गाड़ी डाउन हिल पे चलाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो आपकी गाड़ी का जो गियर है, लोअर गियर में आपको गाड़ी को ढलान पे उतारना है, फर्स्ट गियर में उतारो, फर्स्ट गियर में क्लच को, क्लच और ब्रेक पेडल पे, एक्सीलेटर पे तो आपको जाना ही नहीं है। तो सबसे पहली बात यही है, गाड़ी का जो आपका गियर है वो लोअर गियर में रखो, फर्स्ट गियर में डाल दो गाड़ी को और आपका हाँ मतलब डाउन जो चढ़ाई स्टीप डाउन होते हैं ना जिस तरीके से एकदम खड़ी ढलान, इस पे आपको गाड़ी ऑटोमेटिक सेकंड मांगेगी, आरपीएम आपकी गाड़ी का बढ़ जाएगा लेकिन आपको सेकंड नहीं डालना है, क्योंकि सेकंड डालती गाड़ी स्पीड और ज्यादा तेज होगी। गाड़ी का क्या है, देखो फर्स्ट गियर में चल रही है, इसने एक्सीलेटर पे बिल्कुल भी पेडल नहीं रखा है, गाड़ी ऑटोमेटिकली उतर रही है, फर्स्ट गियर में डाल दो, क्लच पे, क्लच और ब्रेक इस पे आपका अच्छी कमांड होना चाहिए, क्लच और ब्रेक के कॉम्बिनेशन में। इसका यूज तभी करोगे जब आपको गाड़ी एकदम रुकना पड़ रही ढलान में। और देखो दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट होती है कि जब भी ढलान में हम उतारते हैं ना डाउन हिल में, तो जो गाड़ियां उधर से आ रही है, जो गाड़ियां अप हिल पे चढ़ रही है, तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी यही होती है कि जो सामने वाली गाड़ियां हैं उनको आपको प्रायोरिटी देनी कि उनको चढ़ने देना है, क्योंकि उनका जो है अगर उनका एक बार अपना उनका मोमेंटम टूट गया ना गाड़ियों का, तो फिर उनको वापस पिकअप करने में काफी दिक्कत आती है। तो सबसे पहले दूसरी चीज ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर गाड़ी चढ़ रही है और आपकी इधर जगह है, आप गाड़ी रोक सकते हो, तो बिल्कुल गाड़ी रोको और सामने वाली गाड़ी को निकलने दो, ये चीज भी इम्पोर्टेंट रहती है। और टर्न्स में और ऐसे हिली एरियाज में तो आपको ये ध्यान रखना है, अपनी लेन में चलो, कभी भी रॉन्ग साइड नहीं चले जाना। अब देख लो यहाँ पे जगह बिल्कुल भी नहीं है तो यहाँ रुकना पड़ रहा है। वो गाड़ी कार पे अपने आप पड़ रहा है और स्पीड भी अपने आप तेज हो रही है, बट मैं इसको फिर कंट्रोल करने के लिए हल्का हल्का ब्रेक पुश कर रहा हूँ। और एक चीज़ और है कि आपको कुछ लोग होते हैं ना महान, मतलब जो गाड़ी को उनको इतना नॉलेज नहीं होता है, वो सोचते हैं कि गाड़ी को हम न्यूट्रल में डाल देते हैं तो इंजन का आरपीएम भी कम रहेगा, माइलेज भी अच्छा देगी, पेट्रोल बचेगा, लेकिन वो चीज़ बहुत रिस्की हो सकती है, उसमें आपकी गाड़ी का इंजन ब्रेकिंग नहीं होगा और आपकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो याद रखना कभी भी ऐसे डाउन हिल पे या हिली एरियाज में न्यूट्रल कभी ना करना गाड़ी, लोअर गियर में रखो, फर्स्ट या सेकेंड में बस, और अपनी प्रॉपर अपने दोनों हाथ स्टेयरिंग पे हो गए, प्रॉपर ड्राइव करो, संभाल के ब्रेक मार सकता है, ये देखो अब ये छोड़ दिया, ये जा रही है अपने आप, स्कॉर्पियो बढ़ेगा देखना, ये देख मैं सेकंड डालूंगा नहीं, डाला तो गाड़ी फ्री हो जाएगी, क्योंकि तो स्पीड कंट्रोल नहीं होगी, ये अपने आप उतर रही आराम आराम से। ये रोड देखो, रोड अगर इतना रोड की हालत काफ़ी ख़राब है तो थोड़े से गड्ढों का देख के चलो, नहीं तो अपनी ऐसे तो गाड़ियाँ जो जैसे बुलेरो जैसी गाड़ियाँ ये तो निकल जाती है आराम से, वैसे लेकिन अपनी जो छोटी हैचबैक होता है हाँ वो ऐसे ऑफ रोडिंग तो ऑफ रोडिंग हो ही जाती है, मतलब पूरा ऑफ रोडिंग ही है, रोड तो है ही कहाँ यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना। लेकिन अपनी हैचबैक गाड़ियाँ होती छोटी, इनमें ग्राउंड क्लियरेंस भी कम होता है, गाड़ियाँ अटक जाती है उनकी पूरी, तो इसमें यही है मोमेंटम नहीं छोड़ना है, थोड़ा 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 स्पीड आप जब अपील करो, इसमें देखो रास्ता काफी खराब है वैसे तो, इसमें यही है कि प्रॉपर देख लो जहाँ पे अगर ज्यादा गड्ढा हो रहा हो तो वहाँ पे टायर कोशिश करो कि स्टीयरिंग ऐसा आपका टायर वो गड्ढे में नहीं चले जाए, मतलब तो गड्ढे में चले गया तो फिर निकालने में गाड़ी दिक्कत होगी, गाड़ी फंस भी सकती है यहाँ पे। अब ये शार्प टर्न देख लो, वो बुलेरो वाला ला रहा था, अभी देखो मोमेंटम बिगड़ गया, वो ये दोनों गाड़ियां आ गई उसके चक्कर में, उसका मौसम टूट गया उस गाड़ी का, आप देख लो, देखो कैसा निकालेगा, चढ़ा के देखते हैं। चलो वो तो चढ़ गई, तो वैसे जो डीजल इंजन की जो गाड़ियां होती है ना इनमें काफी टॉर्क होता है, वो काफी इजीली चढ़ जाती है, शाफ्ट टर्न नहीं, यहाँ देखो कितना शाफ्ट टर्न था, यहाँ से होता है ना पति गाड़ी।
और एक चीज और है कि मोड़ जो होते हैं ना, जैसे टर्न से उसमें तो ब्लाइंड टर्न्स होते कुछ कुछ, तो वहां पे तो सामने पता ही नहीं चलता कि गाड़ी आ रही है, तो जो टर्न्स होते शार्ट टर्न वहां पे तो हॉर्न जरूर बजा देना, हॉर्न हमेशा यूज करो हॉर्न का। अब देखो यहाँ पे कितना शार्प टर्न है और कितनी ऊपर से आ रहे थे, अभी लगभग नीचे आए गए हम लोग। तो गाइस ये वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड था न्यू लर्नर्स के लिए, जिन लोगों ने अभी अभी ड्राइविंग सीखी है और या जिन लोगों को ड्राइविंग आती है लेकिन फर्स्ट टाइम अगर अभी उन लोगों ने कभी भी हिली एरियाज में ऐसा ड्राइव नहीं किया है। बाकी गाइस आप लोग अपना एक्सपीरियंस बताइए कमेंट्स करके कि डाउनहिल के टाइम ड्राइव करते हो तो आप लोग क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो, आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहता है ड्राइविंग कंडीशंस जब आप कार डाउनहिल में ड्राइव करते हैं, तो कमेंट्स करके जरूर से बताना। तो गाइस आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी आप लोगों ने अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर देना, और चैनल पर नए हो तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।